हेलो फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी बनाने का बिना झंझट वाला सबसे आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए पहले हमें चाहिए स्लाइस किया हुआ प्याज। तो मैं 6 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कट कर ली हूँ। अब चूल्हे पर कढ़ाई रख देंगे। गैस ऑन करके इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही उसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। प्याज को हाई फ्लेम पर डीप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय बार बार चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्याज को इस तरह से कढ़ाई के किनारे ला करके इस तरह से साइड में करेंगे ताकि तेल निकल जाए, जो भी एक्स्ट्रा तेल है प्याज का निकल जाए, और सारे प्याज को एक प्लेट में रख लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इस तेल का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो सारे प्याज को हम निकाल लिए एक प्लेट में। अब इनको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक प्याज ठंडा हो रहे हैं तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सी के जार में डालेंगे 10 से 15 छीली हुई लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च। तो ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, थोड़ी कम तीखी है ये। 2 इंच अदरक के टुकड़ों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। थोड़ा सा पानी डाल करके इनको पीस लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको हम पीस लिए और हमारा पेस्ट रेडी है। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ली हूँ। चिकन के पीसेस को देखिए, बड़े बड़े टुकड़ों में कट करवाई हूँ मैं। तो आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी इनको कट करवा सकते हैं, लेकिन बिरयानी में बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं। चिकन को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो हम लोग अभी पीस करके रखे थे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको तीखा पसंद हो कम या ज्यादा। 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। तो जितना चिकन का क्वांटिटी है उसी के स्वाद के अनुसार नमक डालना है। 3 चम्मच दही, 1 मुट्ठी भर के कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना का पत्ता। तो मैं हरा धनिया और पुदीना का पत्ता दोनों को एक ही साथ में कट कर ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। तो आधा प्याज अभी इस टाइम डाल देंगे और आधा प्याज आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों की हेल्प से सभी मसालों को अच्छे से हर एक चिकन के पीसेस पे लगा लें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो दही की जगह पर एक बड़े साइज के टमाटर का प्यूरी बना करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 2 चम्मच नींबू का रस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इनको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहे हैं, हम चावल उबाल लेते हैं। तो गैस पे मैं 2 से 3 लीटर भगोने में पानी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। पानी में उबाल आ गया है। इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 1 तेजपत्ता जिसको मैं बीच से तोड़ ली हूँ, 5 हरी मिर्च जिसको मैं बीच से चीरा लगा ली हूँ। ये देखिए, ये हरी मिर्च तीखी कम है, अगर आपकी तीखी है तो आप 2 से 3 ही डालें। 1 चम्मच देसी घी, घी की जगह पर आप 1 चम्मच भर के रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ढक्कन केवड़ा वाटर, यानी 1 चम्मच केवड़ा वाटर, 1 चम्मच भर के नमक। अब हम इसमें डालेंगे लंबे दाने वाले बासमती चावल। तो चावल को मैं 15 मिनट पहले ही अच्छे से धुल करके रख ली थी। मैं 500 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 500 ग्राम चिकन के साथ 500 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और चावल में एक अच्छा उबाल आने देंगे। तो चावल को 70% तक हमको पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड, चावल में अच्छा उबाल आ गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथों पे लेकर के देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, चावल 70% तक कुक हो गए। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इनको छान लेंगे। तो छान करके मैं एक थाली में फैला दी हूँ ताकि चावल ओवर कुक ना हो। इधर मैं चूल्हे पर प्रेशर कुकर चढ़ा दी हूँ और गैस ऑन करके इसमें डालेंगे वो तेल जिसमें हम लोग प्याज को फ्राई किए थे। तो उस तेल को वेस्ट नहीं करेंगे, इसी टाइम इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल और डालेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही उसमें डालेंगे खड़े मसाले, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 3 लौंग,
दो इंच दालचीनी के टुकड़े और दो तेज पत्ता। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, खड़े मसालों को कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फ्राई करते समय बार बार चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट तक मैं इनको हाई फ्लेम पर भून ली और आप देख सकते हैं मसाले भी बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे इस टाइम। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके 2 सीटी आने तक पकने देंगे। दो सीटी होने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जब स्टीम अच्छे से निकल जाएगा तब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफी पानी छोड़ा है क्योंकि हम लोग दही और फ्राई किया हुआ प्याज से मैरिनेशन किए थे, तो इसलिए ये पानी छोड़ेगा। तो फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक इनको ड्राई कर लेंगे। इनको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करें। 1 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफी ड्राई हो गए हैं, तो बस इतना ही रखना है। अब हम इस टाइम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया कटा हुआ और पुदीना का पत्ता। इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज का एक लेयर बिछाएंगे। इसके ऊपर बिछाएंगे चावल का लेयर, जो हम लोग चावल को उबाल करके रखे थे, तो पूरा का पूरा चावल का लेयर बिछा देंगे। तो सारे चावल का लेयर हम बिछा दिए। इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज जो थोड़ा सा बचा था उसको भी डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ और पुदीना का पत्ता। तो मैं हरा धनिया और पुदीना का पत्ता दोनों एक ही साथ में कट करके रख ली हूँ और डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, इससे चावल सॉफ्ट रहेंगे। और आधा चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे फैला करके। 2 से 3 बूंद ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप करें। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। 5 से 6 मिनट होने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। उसके बाद जब स्टीम अच्छे से निकल गया है तब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छे से दम गई है। इनका रंगत और टेक्सचर देखिए कितना जबरदस्त है। ये देखिए चिकन के पीसेस भी देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं और चावल भी देखिए कितने खिले खिले हुए हैं। तो हमारी सुपर डिलीशियस बिरयानी बन के रेडी है, अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिना झंझट वाला चिकन बिरयानी झटपट बनाए खाएं और इंजॉय करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज लेकर के आती रहती हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।